हेलो पीपल, थैंक्स फॉर कमिंग. विदाउट मच टॉक लेट्स बिगिन. आज 61 क्वेश्चन से शुरू करते हैं. इससे पहले 60 तक क्वेश्चन तक हो चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन में मुझे कैपिटल फ्लाइट का मीनिंग ही नहीं पता था. कैपिटल फ्लाइट का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए मैंने हिंदी वाला जो आता है ना, हिंदी साइड में रहता है हिंदी क्वेश्चन, वो पढ़ा मैंने. तो उसमें क्या था कि मुद्रा का पलायन होना. तो फिर मैंने एग्ज़ाम हॉल में इसे ये समझा कि क्या पता टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से, जो फेडरल रिजर्व का होता है, US फेडरल रिजर्व का, तो ये कैपिटल फ्लाइट मतलब क्या पता जो कैपिटल से किसी और देश में चले जाएँ, ऐसा मैंने उस एग्ज़ाम के टाइम में सोचा था. तो इसलिए मुझे ये सही लगा. सेकंड स्टेटमेंट भी वही था कि ये कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स. तो इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था, तो ये ठीक है, उससे मैच हुआ कि कैपिटल फ्लाइट से ये इंक्रीज़ हो सकता है कॉस्ट. ठीक है, सिमिलरली स्टेटमेंट 3 नंबर मुझे बिल्कुल, मतलब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था. तो डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ECBs, ये एकदम गलत है. तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नॉलेज से सॉल्व किया था. इसके लिए कुछ और ये वाला जो है ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये इसके लिए कुछ अलग सा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है होती है, ये NCERT से कवर हो जाएंगे. मैंने वैसे ही किया था. 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनरली विच हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेट्स आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है, तो इसमें पहले तो मुझे लगा 3 कि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और केरला का मैं मुझे लगा था, पर ऐसा. और ये वाला देखिए, इसके ऑप्शंस भी अलग टाइप के हैं कि आप इसमें एलिमिनेशन कर नहीं सकते ज़्यादातर. तो इसीलिए पहले मुझे लगा था कि 3 स्टेट होंगे, बट एट लास्ट मैंने इसको ऑल 4 किया, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, जनरली नोन मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोडक्शन भी अगर होगी तो उसको बोल सकते हैं ना कि हाँ ये टी प्रोड्यूस करता है ये स्टेट. और ये सारे स्टेट्स में अच्छे खासे डेंस फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे टी प्रोडक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं. तो ये सोच के मैंने ऑल 4 स्टेट मार्क किया और आंसर सही भी निकला. NCERT में भी दिया हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला, तो दिस वॉज ओके ओके. 63 में देखिए, मैंने गलती कर दी इसमें ना, ये तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट था. मतलब अगर किसी ये पता था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज CB के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, तो वो आराम से स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट आ सकता था. 1 को एलिमिनेट करके वो बी ऑप्शन पे आ जाता था, 2 और 3 पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. पर मुझे जैसे कि मैंने पढ़ा था इस बारे में, लेकिन मैं एग्ज़ाम हॉल में भूल गई थी इसके बारे में, तो मैंने RBI को ही समझ लिया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो गई मेरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया था. तो आपने देखा ना, यहाँ पे एलिमिनेशन वर्क करा, और ऐसा नहीं है कि इस पेपर में कुछ नहीं हुआ. सेम वही वाला, इससे पहले वाला, ये क्या नंबर था, 63 वाला लॉजिक ही इस क्वेश्चन में भी काम आता है कि अगर किसी को भी पता होगा कि गवर्नर ऑफ RBI इज़ नॉट द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो ये क्वेश्चन ये तो इसके सही ऑप्शन पे आराम से आया जा सकता था, जैसा कि मैं आई 2 और 3. आगे वैसे पढ़ा मैंने पूरा स्टेटमेंट, पर हाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी. और दूसरी बात, ये PYQ से भी रिलेटेड था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 के टाइम में आया हुआ था, तो एक्सपेक्टेड था कि अगर क्वेश्चन पहले आ चुके हैं तो उसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, तो ये ठीक था. ओके ओके क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन क्या बताऊँ मैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पढ़ा था मैंने न्यू करंट अफेयर्स में, बट उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ कि याद ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या है, तो इसको मैं कन्फ्यूजन से गलत कर नीदर नोर में मतलब नन ऑफ द अबव में मार्क करके आई. इसका बोथ होगा, हो जाते हैं गलतियाँ. फिर आते हैं 66 में, इसमें था कि इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, तो ये तीनों होगा. ये तो मैं PSI या स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता था. वैसे ही है कि AIIB में तो 16 था, ये तो फाउंडिंग मेंबर ही है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था. और SEO का भी किसी को भी पता हो सकता है कि इट वॉज ईजी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. तो 1, 3 ठीक है, हो सकते हैं. और सी आप देखोगे, अगर आपको पता भी नहीं था कि ना 2 वाला मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो भी आप अगर 1, 3 के बारे में पता है तो सी एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 साथ में है, डी, तो आप इसको मार्क करते तो ये सही हो जाता. लेकिन मुझे ये मतलब नॉलेज से पता था और मैं इसके बारे में पढ़ी थी, आपको दिखाना चाहूँगी. वेट, मैंने नोट्स बना के रखे थे कि ये ना न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड 4 वो हैं, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बोल सकते हैं. एक तो वसेनर एग्रीमेंट बोलते हैं, इसका भी इंडिया पार्ट है, 2017 में हुआ. एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसका भी इंडिया पार्ट है, 2018 में हुआ. और एक ये मिसाइल टेक कंट्रोल रिजीम, इसका भी पार्ट है इंडिया, 2016. और एक और है जो चौथा नंबर, NSG के बारे में बहुत सुना होगा हम सब ने, आपने भी सुना होगा, न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप. इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्री चाइना. तो ये वाला पढ़ा हुआ था, नोट से आया था, तो आई वॉज ओके. और वो वाला क्वेश्चन मैंने नॉलेज से. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम
वैसे ही अब दूसरे 67th क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी वो किया जा सकता था एलिमिनेशन वर्ड किया। आप जनरल स्टेटमेंट्स को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वियतनाम इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, तो ठीक है ये स्टेटमेंट काफ़ी जनरल है तो ओबियस है कि ये आंसर में का पार्ट होगा। सेकेंड नंबर, अगर आपको नहीं, मुझे जैसे पता था पर अगर आपको नहीं पता तो इसको न्यूट्रल स्टेटमेंट समझ के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, अगर आप ये दोनों के हिसाब से देखा जाए तो आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वन, अगर आप सही मानते हैं तो ए सी और डी में से ऑप्शन आपके पास बच गया, या तो सी होगा या डी होगा क्योंकि और सब में वन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा भी टू पे डाउट है तो आप थ्री और फोर के साथ जाइए, नहीं तो जैसे कि पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ना ही होता है, सारी स्टेटमेंट्स तो आप पढ़िए। यू विल योर सेल्फ गेट टू नो वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ लिंक टू इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह वगैरह, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है। उसके बाद फोर नंबर, फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चर, ये भी हो सकता है। अगर थ्री भी हो रहा है, अगर आप थ्री को सही मानते हैं तो वन इन थ्री ही ऑप्शन बच जाता है। तो एट लास्ट ये वाला मेरे लिए डायरेक्ट हिट था क्योंकि मुझे पता था टू गलत है। खैर, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, सबको पता है कि प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में या इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग कौन करता है इन इंडिया, तो दैट्स आरबीआई। बहुत सारे पीवाई क्यू उसमें ही आ चुका है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। ये नॉन फंजिबल टोकन्स वाला ना, मैंने थोड़ा पढ़ा था इसके बारे में लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई यहाँ पे। ब्लॉकचेन आ गया तो मतलब थोड़ा पता नहीं क्या हो गया मेरे से, तो ये आता हुआ क्वेश्चन मैं गलत करके आई, मतलब दिस क्वेश्चन, मतलब ऐसी गलती को ब्लंडर कहा जाता है, ब्लंडर करके आई मैं ये वाला क्वेश्चन, मुझे काफ़ी दुख हुआ। सिमिलरली 70 नंबर, देखो इसमें मुझे दो पता था कि दो, मतलब एग्ज़ाम हॉल में मुझे दो सही लग रहा था, कि सबसे पहला ये वाला कि दो सही लग रहा था, मतलब कैसे बताऊँ मैं, मैथोन जो है ना उसको मैं छत्तीसगढ़ ही समझ रही थी एक्चुअली, और घटप्रभा को मैं एक्चुअली तेलंगाना ही समझ रही थी, तो मुझे लगा कि दो ही गलत होगा, जैसे गांधी सागर पता था कि महाराष्ट्र में और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, ये दोनों मुझे आंसर पता था कि ये तो सही है, तो बाकी बचे दो, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम हॉल में मुझे इतना गलत था कि एग्ज़ाम में मैं पहला और फोर्थ नंबर को सही समझ रही थी कि हाँ ये तो सही है, और ये वाला टू एंड थ्री का एक्चुअल सही आंसर मुझे पता था टू एंड थ्री का, तो और जो कि इसमें गलत दिया हुआ है तो मैंने इसको टू पेयर को नॉट करेक्टली पूछा तो वही मार्क किया ये सोच के, बट एक्चुअली ये चारों ही गलत है। घटप्रभा का होगा तेलंगाना, गांधी सागर महाराष्ट्र, इंदिरा सागर होगा फिर आपका मध्य प्रदेश, एंड मैथोन होगा झारखंड, ये मुझे बाद में पता चला। ये डबल हो गया ना, वही मैं सोचूं कि अभी तो मैंने ये सॉल्व किया। हाँ फिर ये क्वेश्चन नंबर 71, ये भी डायरेक्ट हिट था। आप जब भी CPI WPI के बारे में पढ़ते हैं ना तो उसमें आपने पढ़ा होगा, मतलब ये एकदम एक होता ना बेसिक सा स्टेटमेंट था जो कि NCERT से या करेंट अफेयर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है CPI एंड WPI, और इंडस्ट्रीज़ के बारे में कौन ही करेगा जहाँ पे वर्कर्स हो, तो ओबियस है कि लेबर ब्यूरो ही करेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप समझ जाना इसको, मतलब कि कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है जिसके बारे में हार्डली ही कोई पढ़ता है, नॉर्मल एस्पिरेंट की भी मतलब दायरे से ये आउट ऑफ दायरा आता है, जितना हम कवर एक्चुअली नहीं कर सकते, बट इसको भी सॉल्व किया जा सकता था एग्ज़ाम हॉल में और मैंने किया भी। सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना था, पहला वाला मेजर सोर्स CCO इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स ऑफ GOI, ठीक है नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। अगेन सेकेंड नंबर स्टेटमेंट, मॉनिटर्स प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड इतना ब्लॉक्स, ये भी मॉनिटर्स करता है, ठीक है मॉनिटर करते हैं तो ये जनरल में ही आता है, आपको ये समझना चाहिए। फिर थर्ड स्टेटमेंट्स, हियर एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ कोल बीरिंग एरिया, एनी ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आ जाता है इसकी नोटिफिकेशन से तो ये सॉल्व करेगा, तो ऐसा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी है, NGT भी है, बहुत सारे हैं जो कि सॉल्व करते हैं। उसके बाद मुझे ये वहाँ पे लगा, मतलब एग्जाम हॉल में। फिर स्टेटमेंट फोर, इंश्योर द लोक दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ये तो कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा मतलब इंश्योर करे, ऐसे भी लेट लतीफ तो इम्प्लीमेंटेशन में होता है, डिलीवरी भी सर्विस डिलीवरी इतनी अच्छी भी नहीं है हमारे कंट्री में, तो मुझे यहाँ पे काम किया इसलिए मिट हिट वन एंड टू, जो कि अटला सही निकला। अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, और ये पता है सिंपल सा क्वेश्चन है बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है इसलिए लोग कन्फ्यूजन में आ गए बहुत ज़्यादा, बट इसका मतलब यही होगा कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया क्या है, ओबियस है कि ये प्रिवेंट करे ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल, बहुत लोगों ने ना इसको ये किया, क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, और फिर बहुतों ने डी भी मार्क किया कि स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट अलग होता है।
खैर अब क्या बोल सकते हैं, मतलब ये वाला डायरेक्ट था मेरे लिए। और नॉर्मल पॉलिटी या तो आप उससे पढ़िए, NCERT कवर कीजिए, NCERT के बाद लक्ष्मीकांत तो बेसिक है ना, सबको ही पढ़ता है, तो उससे ही सॉल्व हो सकता था वो। अगेन दिस, जहाँ तक मैं एक सिंसियर स्टूडेंट रही हूँ और मैंने भी इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट या फिर कोलिशन के बारे में सुना नहीं था, इंडिया सैनिटेशन कोलिशन। तो ये मुझे जब भी बोलते हैं ना, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए तो वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट वन को भी गलत समझा था इन फर्स्ट हैंड। फिर सेकेंड वाले स्टेटमेंट को भी गलत ही समझी थी पहले, इसलिए मेरा या तो बी और डी में से मैं मार्क करने वाली थी। पर फिर क्या मन में आया कि मैंने टू को सही किया, गट फीलिंग के साथ गई टू के साथ कि चलो हो भी सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, तो हो सकता है ना कि प्रोवाइड इनोवेटिव सोल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया, तो इसलिए मैंने मार्क किया और ये सही निकला। फिर अगेन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये तो एनवायरमेंट के स्टैटिक पोर्शन से आता है और इसमें PYQs भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करना चाहिए था। बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज हो गए हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भी वो किए हुए हैं। खैर ये गलती मतलब ब्लंडर है, अगर आप गलती कर रहे हैं इसमें तो ब्लंडर्स है। अगेन दिस, इतना तो डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ता। क्रीडेंशियल्स कमिटी मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं PSIS स्टूडेंट होकर भी नहीं पढ़ा था। लेकिन हाँ ये देखिए, स्टेटमेंट वन एंड थ्री एक दूसरे के ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कि पहले तो बोल रहा है कि UNSC बनाते के अंडर ये सेटअप हुआ है, बट सेकंड फिर थर्ड स्टेटमेंट में देखिए कि क्या बोल रहा है कि जनरल असेंबली में कुछ भी वो करने रिपोर्ट करने से पहले सबमिट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले इवेलुएट होता है ये अलग जगह पे पहले, मतलब तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये ओबियसली उंगा ने ही मतलब UNGA ने ही बनाया होगा कि उसके पहले जो भी रिपोर्ट है उसके पहले एसेस किया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल इतना नहीं करती। तो ये मेरे को पता चल गया कि वन नहीं है, थ्री है, क्योंकि जनरल असेंबली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हो सकती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत हाई लेवल की बॉडी है, छोटे छोटे चीज़ों में नहीं आती, ये मुझे पता था। तो ये थ्री को मैंने सही माना, और थ्री अब यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि ए बी और सी तीन ऑप्शन में थ्री है। लेकिन जैसे कि मैं बोली कि ए वन और थ्री कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे से, हाँ, तो या तो वन सही होगा या थ्री सही होगा। जैसे कि मैंने थ्री को सही माना तो यहाँ पे बी मेरा ऑप्शन चला जा रहा है, क्योंकि वन गलत होगा, ओबियस है। अब देखना है टू सही है या नहीं, और हमारे पास ऑप्शन क्या बच गए, इधर ए और सी। अब देखिए पढ़िए, स्टेटमेंट टू, ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सेप्टेम्बर एवरी ईयर। इतना डिसिप्लिनड बॉडी तो नहीं हो सकता। और सी, अगर ऐसा होता भी है तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर एग्ज़ाम हॉल में पूछे वो भी UPSC, तो थोड़ा डाउट आ जाता है। इसलिए मैंने इसमें मिनिमाइजेशन की तरफ गई और सी को मार्क किया, जो कि सही निकला आंसर। अगेन दिस, पोलर कोड के बारे में नहीं पता था मुझे बिल्कुल भी, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ पता था कि कोड मतलब होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल नॉर्म्स, ऐसा कुछ एग्रीमेंट तो नहीं होता, ये जानती थी। एंड यहाँ पे दो बैठा हाँ, दो ऑप्शन में एग्रीमेंट दिए हुए थे, ठीक है, तो इसको मैंने दो ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था। उसके बाद और बाकी वाले में एक इंटरनेशनल कोड दिया हुआ था और तीसरे वाले में सेट ऑफ नॉर्म्स, तो ये कोड के साथ ना, कोड की जो मीनिंग होती है ना उसके साथ जा रहा था, इसलिए मैंने फर्स्ट रीडिंग में ए और सी मार्क करके रखी थी कि हाँ इसमें से ही कुछ वो करूँगी, एट लास्ट मार्क करके आऊँगी, क्योंकि 50-50 तक तो मैं आ गई। और ये क्वेश्चन यू ट्रस्ट में मुझे पता तक नहीं था, फिर भी ये आंसर सही हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ट्रिक्स, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने के बाद। उसके बाद अब आप इसको जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। पहले सी को पढ़ते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाई द कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब यहाँ पे देखिए कि सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकते हैं ये नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, कंट्रीज़ के द्वारा फॉलो किए जाते हैं जिनके सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च स्टडीज़ करते हैं पोल्स एरिया में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेफ्टी कोड्स फॉर शिप्स टू ऑपरेट इन पोल वाटर, किसी भी कंट्री के शिप्स, और शिप्स ज़्यादा आते हैं, साइंटिस्ट ओबियसली कम होते हैं और शिप्स उस वाटर के थ्रू ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। ये मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है और ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव है ये, तो इसलिए मैंने ए को मार्क किया, जो कि एट लास्ट सही निकला। अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी कर लेता। कि आपने MNSD इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, उसको ही एग्जांपल लेके आप आगे देख सकते हैं कि उंगा ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स, ओबियसली MNSD इंटरनेशनल हुआ अपना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, इन सबको मिली हुई है ऑब्जर्वर स्टेटस। अगेन टू, इंटर गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, हाँ ओबियस है, अभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया।
फिर परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन यूएन जनरल असेंबली कैंट मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर्स. या ये पॉसिबल है एमनेस्टी इंटरनेशनल. एक ही एग्जांपल के थ्रू ये तीनों सॉल्व हो जा रहे हैं. तो ये मतलब डायरेक्ट हिट नॉलेज से भी था. और ये सब टी बोर्ड वाले में मैंने बताया ना कि मुझे डाउट हुआ दो चीज़ में. एक तो मतलब मुझे टी बोर्ड के बारे में भी ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था और ये, बट एक चीज़ पता था कि बेंगलोर में तो नहीं हो सकता क्योंकि बेंगलोर ओबियस है कि ईस्ट इंडिया में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है. तो कहीं अगर कुछ और देता ना ईस्ट इंडिया का कोई भी चीज़ तो शायद मैं गलत कर बैठती क्योंकि मुझे कोलकाता एक्चुअली पता नहीं था. बट यहाँ बेंगलोर देखे इसने थ्री ऑप्शन तो एलिमिनेट मुझसे करवा लिया. और जैसा कि आप ऑप्शन अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि ओनली टू आर करेक्ट, कोई दो तो गलत है इसमें. तो मैंने थ्री को गलत किया पहले, तो थ्री हटा. अब मेरे पास फोर सही निकल गया. मुझे यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग फोर सही निकल गया क्योंकि दोनों में. अब बच्चा वन एंड टू में मैंने ये सॉल्व किया, सोचा कि स्टैट्यूटरी बॉडी चलो ठीक है ये भी हो सकता है, और रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था. बट हाँ ये सुना हुआ था बहुत कि जब भी मिनिस्ट्री कोई दे तो ज़्यादातर गलत होता है. बस इस थॉट के साथ मैं गई वन एंड फोर के साथ और एट लास्ट ये सही हुआ. ठीक है ये हो सकता है. तो एलिमिनेशन क्या कर रही हूँ मैं, एलिमिनेशन वर्क किया. ये ग्रीन वॉशिंग कितना ज़्यादा न्यूज़ में था तो ये भी मुझे आंसर पता था. तो इसका तो फर्स्ट पढ़ते ही पता चल गया, लेकिन फिर भी सारा स्टेटमेंट पढ़ था मैंने और एट लास्ट ए ही मार्क किया. ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन में गलत हो गया मुझसे, क्लाउड्स वाला. पता है एग्ज़ाम हॉल मतलब प्रेशर बहुत कुछ गड़बड़ करवा देता है, अक्सर होता है ऐसा. बट उसको आपको काम रखना पड़ेगा तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना इजी क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाता. 82 नंबर, इसमें भी मैंने यही लॉजिक लगाया 1 एंड 3. सी कीनिया के बारे में दो दो बार दिया हो गया है, दिया हुआ है. और यहाँ बीटीबीटी के बारे में भी मतलब ये सब तो नाम ही नहीं पता था मुझे. बट स्टिल मुझे ऐसे गट फीलिंग आई कि 2 तो सही है. कि कितना अच्छा से इसमें इतना जनरल स्टेटमेंट है कि सम पीपल हु फ्लीड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीटीबीटी. ठीक है ये वाला मुझे सही लगा, तो इसलिए मैंने 2 और बी और सी मैंने मार्क किया, इसलिए भी कि 2 सही था. और मुझे 1 बिल्कुल गलत लग रहा था, ऐसे गट फीलिंग आ रही थी कि बीटीबीटी इज़ अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया. ये थोड़ा सा वो था, मुझे नहीं ठीक लगा. तो खैर इसलिए मैंने उसको सही नहीं समझा. और 3 भी मुझे जनरल सा लगा इसलिए मैंने 2, 3 मार्क किया. बट हाँ दैट वॉज अ टफ क्वेश्चन. बट ऐसे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना की हैबिट डालनी पड़ेगी इन टेस्ट सीरीज कर लो आप या PYQ सॉल्व करते टाइम, क्योंकि अक्सर है कि UPSC गूगली तो डालती ही है. सारे क्वेश्चन तो आपको किसी को भी आने से रहें, और 100% श्योरिटी होना एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये बहुत बड़ी बात है. मतलब नहीं हो पाती है हार्डली 20 से 30 क्वेश्चन, वो भी जब आप सीरियस स्टूडेंट हो तो. ऐसे तो क्या ही बोलना फिर. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट ये मैंने पढ़ा था, न्यूज़ में था, बट इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ के बारे में देखा नहीं था. मतलब ज़्यादा भी न्यूज़ में नहीं पढ़ी थी इसीलिए नहीं देख पाई. और मैंने सोचा कि 1, 2, 4 होगा, बट सी इसका आंसर है 2 एंड 5. तो अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान, और मैंने ना 5 को सबसे पहले एलिमिनेट किया था कि नहीं उज़्बेकिस्तान तो नहीं होगा, वो तो अलग सेंट्रल इंडिया बोल रहे सेंट्रल एशिया हो गया, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया. बट सी गलत तो गलत है. एंड दिस क्वेश्चन थैंक्स टू BPSC कि मैं उस टाइम बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ी थी, मैंने बहुत फैक्ट्स पढ़ती थी उस क्वेश्चन उस मतलब वो फैक्ट्स पढ़ने से की वजह से ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाई. वरना एक से बढ़कर एक गूगली थी इसमें. गुजरात हैज़ अ लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, अगेन केरला हैज़ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा हैज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया. ये तीनों ही में से एलिमिनेट करना काफ़ी टफ है. अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं इसे छोड़ देती. बट एज यू नो मैंने पढ़ा था कि कोची एयरपोर्ट जो है ना वो फुली सोलर हो गया है, ये पढ़ा था. तो और वो पहला स्टेट का था, ये भी पढ़ा था, तो इसलिए डायरेक्ट हिट था. वरना ये क्वेश्चन टफ था वैसे. ये वाला तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने भी सुना होगा इसके बारे में. UN क्लब बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, क्योंकि ये अपना US ने अपनी जो नेवी शिप्स होती है ना वो इंडियन ओशन में इंडिया के एकदम बॉर्डर से थोड़ी दूर ही जाके घुमा रहते हैं, शहर पे निकाले थे उसको. तो इंडिया की सोवरेनिटी खतरे में आ गई थी एज़ पर आवर इंडियन न्यूज़ चैनल. तो वही बात था, काफ़ी न्यूज़ में था ये. और ये नॉलेज मतलब एक था ना कि बेसिक चीज़ों में आ जाती है, क्योंकि अगर आप इतना चीज़ कोई न्यूज़ में है तो उसके बारे में थोड़ा तो पढ़ोगे ना. और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप UPSC की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी. इनफैक्ट अगर मैं भी नहीं पढ़ती तो मैं भी अपने आप को यही बोलती हूँ कि ये तुम नहीं कर रही हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो UPSC डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग तुम नहीं कर रही हो. मैं अपने आप को भी यही बोलती हूँ. सो इट वॉज़ लाइक
सबको पता होना चाहिए था, तो मेरे लिए ये डायरेक्ट हिट था। आज के लिए इतना करते हैं, 85 तक हो गया, अच्छा है। एंड इसके बाद हम लास्ट एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 15 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।